पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पांच गोलियां दबाकर युवा को उतारा मौत के घाट। यहाँ के चोर है काफी तेज, आवाज सुनते ही भाग जाते हैं। नाबालिग पीड़िता पर रेप के आरोपियों ने किया जानलेवा हमला। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में मयूर विहार इलाके में गाड़ी पार्किंग को लेकर उपजी विवाद के बाद हुई गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई। अब घटना से संबंधित एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। राजधानी से सटे नोएडा की सोसाइटियों में चोर सक्रिय हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सोसाइटियों में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई है। अब नोएडा एक्सटेंशन एंड फ्लैट्स ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष की कार को चुराने की कोशिश की गई थी। खान है और निपोमा फ्लैट बायर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और हम आज पाम ओलंपिया सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ पर आज जैसे ही हम ऑफिस जाने लगे, जाने के लिए तैयार होकर निकले और नीचे जाके कार में हमने देखा कुछ कागजात रखने थे, डिक्की खोली। डिक्की खोलते समय जो हमने देखा उसमें तो बाकायदा चोरी होने का एहसास हुआ। उसको चोरों ने जो सेंसर होता है डिक्की में लगा होता है कार खोलने के लिए पुश बटन होता है, उस पुश बटन को बकायदा चोरों ने काटने की कोशिश करी, ब्लेड से काटा गया था। तो हमने वहाँ गार्ड के जस्ट बगल में कार खड़ी होती है 3 नंबर टावर में, पाम ओलंपिया सोसाइटी है, तो हमने गार्ड को बुलाया। गार्ड ने बोला भी थी कि सर यहाँ पर रात में लोग चिल्ला रहे थे कि चोर चोर, तो हो सकता है कि चोर आए हों। और हम सीबीआरई ऑफिस जो इनने पाम ओलंपिया जो बिल्डर है उन्होंने सीबीआरई एक मेंटेनेंस संस्था है उसको दिया हुआ है आगे, तो हम उनको बता देंगे, तो यहाँ पर कैमरे वगैरह लगवाने का प्रबंध करेंगे। जिले में नाबालिग पीड़िता के ऊपर रेप के आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने लड़की के घर में घुसकर तेज धार हथियार से पीड़िता का गला काटने की कोशिश की थी। घर पर अकेली थी, उसके दो लड़कों ने बता रहे हैं भाई चाकू मारे हैं और भागे हैं दोनों। ठीक है, लड़की को हमने हॉस्पिटल में वो भर्ती करा, इलाज करा रहे, ट्रॉमा का रेफर कर दिया, वहाँ उसको भेज रहे। लड़के बता रहे हैं कि लड़की के साथ पहले रेप किया था। आप पहले एक रेप का मुकदमा दर्ज है, एक आरोपी का नाम बता रही है, वो साथ हर कल कोर्ट में गवाही वगैरह है। अच्छा, ठीक है, उस चक्कर में सारा मामला हुआ। कितने लोगों ने इसके ऊपर हमला किया था? दो लोग बता रहे हैं, लड़की की बहन बता रही, दो लोग थे, हमने भागते हुए देखा है, मारते हुए नहीं देखा है। फिलहाल पुलिस की क्या कार्रवाई? जल्दी से मतलब वो इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और उनका नाम पता करके उनकी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। ये भी तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।